दोस्तों, कुछ फेक लोगों के द्वारा, कुछ फेक यूट्यूबर्स के द्वारा ये खबर उड़ाई जा रही है कि उसे दो दिन का कलेक्टर बना दिया गया है, लेकिन उसे एक्चुअल में कलेक्टर नहीं बनाया गया। A few moments later. A few moments later. निर्मला, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो तेजी से, जिसमें आपके साथ में एक लड़की है जो किराना दुकान से सामान उठाकर लेके जा रही है, तो क्या सच्चाई उस वीडियो में क्या है? आपका नाम है, आप हो या आपकी सहेली है, कौन है बताइए? मैं उस लड़की को नहीं जानती, मैं वहाँ हूँ जरूर, लेकिन मैं मेरे काम से गई थी और वो लड़की कौन थी मैं नहीं जानती उस लड़की को, और मैं तो मेरे काम से गई थी, मैं मेरा सामान लेके वापस आ गई, बस चोरी क्या, मेरे हाथ में थोड़ी ना डब्बा था तो मेरा नाम लेते हो, जो जो जलने वाले तो वही डालेंगे कि ये है ना जो जलने वाले तो वही डालेंगे कि ये है ना जो जलने वाले तो वही डालेंगे कि ये है ना तो सामने वो सामान लेके जा रही, आपने सेठ वो जो व्यापारी को क्यों नहीं बोला? तो अपने से क्या मतलब, हम ये काम नहीं करते, वो क्या करती, हमको थोड़ी ना पता वो किसकी वजह से कर रहे, हम नहीं जानते ये, और हमारा उससे लेन देन कोई। अच्छा, इसलिए आपने नहीं बोला? नहीं मालूम, उस लड़की को मैं जानती भी नहीं, और मेरे को किसी ने बताया कि ये कुछ हुआ, तो मैं उस लड़की को जानती हूँ, वो मेरे रूम के पास में 2-4 दिन पहले रहती थी और बाद में वो उसने खाली कर दिया उसी दिन, उसके फिर बाद में खाली कर दिया, और उसका कुछ ज्यादा पता मेरे को नहीं पता, हाँ मेरे साथ में थी लेकिन मेरे को नहीं पता, फिर बाद में रूम क्या पे पता चला कि वो हाँ लाई है, तो मैंने उसको बोल दिया तू वापस चुपचाप दे देना, इतना बोल दिया मैंने, और वो सामान ऐसा कैसा पड़ा उसके पास मेरे को इतना नहीं पता। वो कह रही थी, मैंने पूछा तो वो कह रही थी कि दुकान वाले से मेरे 400 रुपये बचे तो उसने दिए नहीं, और मेरे से भेजबाजी करी और वो पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं ये डब्बा चुरा के लाई, तो मैंने बोला तू भले तेरे तू जैसे करवे थे लेकिन मेरे साथ है तो तू मैं तू वापस दे देना, कर तो बोल दिया मैंने उसको। अच्छा, चोरी करता आपने देखा था वहाँ पे? नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, हाँ बस वो डब्बा था, यूँ कर रही थी तो मेरे को लगा कि वो निकाल रही लेने के लिए, तो मेरे को लगा कि वो निकाल रही, बस रहने दिया, फिर बाद में पता नहीं इसने क्या करा।